बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू कॉमर्स हाउस। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है उसका कॉइन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसके मुतालिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी दी थी। आप लोग वो वीडियो मेरा जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो और वीडियो क्लास भी देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिलेंगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कॉइन को। कॉइन क्या होता है? सिक्का, जिसको आप कहते हो सिक्का, ठीक है। सिक्के के मुझे बताओ कितने ऑप्शन होते हैं सर? एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। गौर से समझिएगा, एक होता है हेड और एक होता है टेल। प्रोबेबिलिटी, शायद चांसेस हैं, आप सिक्के को फेंको, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। चलो देखते हैं हम। सर एक सिक्के में दो ऑप्शन होते हैं, कितने? दो होते हैं, ठीक है। कितने फेंके आपने? एक, दो की पावर एक। अगर आप लोग दो सिक्के फेंकोगे तो दो की पावर दो, अगर आप लोग तीन सिक्के फेंकोगे तो दो की पावर तीन। सही बच्चों, ऐसे। अब हम इसकी बनाएंगे सैंपल स्पेस। विद द हेल्प ऑफ सैंपल स्पेस वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ योर बुक, ठीक है। चलो एक अगर मैंने सिक्का फेंका तो सर क्या क्या आ सकता है? टू की पावर टू इज इक्वल टू टू, और इसे आपने डिवाइड करना है टू पे। कितने पे? टू पे। ये आपका आ जाएगा वन। अब ये आपको वन ये बताता है कि सर आपने एक बार हेड लिखना है सैंपल स्पेस में और एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। भाई ये सैंपल स्पेस होगी किसकी? किसकी होगी सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस होगी अगर आप लोग एक कॉइन फेंको, या तो वो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर आप लोग दो फेंको सिक्के तो इसमें आ सकता है जी फोर, टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर, इसको डिवाइड टू पे करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा टू। अब ये टू आपको क्या बताता है? ये बताता है कि सर आपने जो सैंपल स्पेस बनानी है ना उसमें दो बार हेड, हर ऑप्शन दो दो बार आएगा, दो बार हेड और फिर दो बार टेल, हेड हेड टेल टेल। अब इसको मैंने इक्वल टू कितना करना है? वन, वन लेके आना है, दो पे फिर डिवाइड कर दो तो ये वन आ जाएगा। चलो अब ये वन आपको बताता है कि सर हर ऑप्शन एक एक बार हेड टेल एक एक बार आएगा, हेड और टेल, समझ आ गई। ये वन आ गया, ये खत्म हो गई। अब ये दोनों सैंपल स्पेस मैंने बना दिया अलग अलग से, तीसरे की तरह सैंपल स्पेस हम बनाते हैं। ये कैसे बनेगी सैंपल स्पेस? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 को आपने 2 पे डिवाइड करना है और ये आ जाएगा आपके पास 4। अब ये 4 आपको क्या बताता है कि जो आपने सैंपल स्पेस बनानी है उसमें हर ऑप्शन कितनी कितनी मरतबा आएगा? चार चार बार। देखो हेड 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 हेड, फिर टेल, चार चार बार लिखना है टेल टेल और टेल। सही है बच्चों। उसके बाद इसको आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब हर ऑप्शन दो दो बार, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। सही है। अब ये अभी 2 आया, इसको लास्ट तक लेके जाना है 1 तक, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। इस 1 का मतलब हर ऑप्शन एक एक बार, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। ठीक है बच्चों, ये आपकी बन गई सैंपल स्पेस। याद रखिएगा डाइस हो आपके पास, कॉइन हो, आपने विद द हेल्प ऑफ सैंपल स्पेस आप लोग क्या करोगे? क्वेश्चन अपने सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को तीनों कंडीशन में आप लोगों को सैंपल स्पेस बना के दिखा दी। अभी हम लोग इसके करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बंद करो, अच्छा। तो ये था हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मैंने बना दी भाई आपको 3 की जैसे ही मैंने बनाई, 3 की पावर 2 की पावर 3 ये 8 आ गया, इसको 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास। ये मैंने सैंपल स्पेस जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है, अभी बना के दिखाई है, वैसे ही मैंने आप लोगों को अब बना के दे दी है। इस अच्छा, तो ये थी हमारी सैंपल स्पेस।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले ये है, आप आपकी बुक से मिलते जुलते ही होंगे क्वेश्चन। पहला है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन 3 कॉइंस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, दैट के बाद आपका सवाल शुरू होता है एग्जैक्ट टू हेड। एग्जैक्ट टू हेड का मतलब सर दो ही हेड आने चाहिए, ना तो उसमें हेड उससे दो से ऊपर हो ना दो से कम हो, आपके हेड कितने आने चाहिए, दो ही आने चाहिए। तो सर देखो इसमें दो हेड हैं, नहीं इसमें तो तीन है, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा इसमें एक है, ये आ जाएगा इसके अलावा पास। तो ये है वो वाले सैंपल पॉइंट जो कि इस सवाल के मुताबिक हमारे पूरे पूरे उत्तर दें। तो हम इनको क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू एन इंटू ए ओवर एन इंटू एस। अब ये एस क्या है, जितने आपके सैंपल पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, एस पे 8 आ जाएगा। और ए क्या है, ए आप किधर बताओगे, ए इज इक्वल टू कौन कौन से हैं, एच एच टी एच टी एच और टी एच और एच। ये है सर वो 3 सैंपल पॉइंट जो कि आपको उनकी कंडीशन पे पूरे उतर रहे हैं। तो ये कितना 1 2 3 3 आप इधर लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में इसमें आप लोगों का क्या लेस देन ग्रेटर देन 0 आएगा और लेस देन 1 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से वो बड़ा होगा आपका आंसर। चलो जी ये था हमारा पहला सवाल, दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं जिसमें वो कहता है कि भाई आपने एट लीस्ट 2 टेल, जिसमें कम से कम 2 टेल होने चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जरा समझिएगा, दिमाग की बत्ती जला के रखिएगा आप। एट लीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल। कल आप लोग एकेडमी आओ तो आपके पास कम से कम 10 रुपये होने चाहिए। कितने, 10 रुपये, 10 से कम हो तो नहीं चलेगा, 2 टेल से कम हो तो नहीं चलेगा, इससे ऊपर जितने मर्जी चले जाए आप लोगों ने वो वाला ले लेना है। देखो आप कल एकेडमी आओ, आपके पास 10 रुपये हो तो वो नहीं चलेगा, 10 से ज़्यादा होंगे तो चल जाएगा। एट लीस्ट 2 टेल, 2 से ज़्यादा होंगे तो चल जाएगा, 2 वाले भी चल जाएंगे, 2 से कम वाला नहीं चलेगा। चलो जी टेल देखते हैं, किसमें 2 से कम है वो नहीं चलेगा, जिसमें 2 से ज़्यादा है वो चल जाएगा। ये नहीं, इसमें तो टेल है ही नहीं, इसमें 1 है ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये 2 और ये 3, इसमें 3 आ रहे हैं टेल तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास कल 20 रुपये भी हों तो आप अकेडमी आ सकते हो। प्रॉबिलिटी एन ए इज इक्वल टू एन इन टू ए ओवर एन इन टू एस। एस आप लोगों को पता है 80 है, और ए जो है वो आप लोगों को पता है कितना आ गया, ए इज इक्वल टू ए, यहाँ आप लोग इधर शो करोगे कौन कौन सा ए है, टी एच टी ए टी टी एच 2 टी टी और टी। ठीक है बच्चों ये समझ आ गया आप लोगों को। चलो 1 2 एंड 3 3 ओवर 8 इसका भी आंसर सही है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी परफॉर्म किए। तीसरा भी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करवा देता हूँ, एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड हो, 1 से ज़्यादा ना हो, 1 से ज़्यादा होगा तो वो कंडीशन नहीं लगेगी, वो नहीं चलेगा। 1 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, बल्कि ये चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड हो, जिसमें हेड नहीं भी होगा वो भी चल जाएगा, ये भी नहीं, ये भी चल जाएगा और ये भी। 1 2 3 4, ये 4 ऐसे हैं सैंपल पॉइंट के जो हमारे जो उसने क्वेश्चन में कहा है वो इस पे पूरे उतरते हैं। हेड टेल टेल ये वाला, टेल हेड टेल ये वाला, टेल टेल हेड, और इसमें तो हेड कोई भी नहीं है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू आपका आ गया 4 डिवाइडेड बाय 8, तो ये इसे खत्म, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सॉरी 1/5 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.5,
बच्चों मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, ग्रेटर देन वन और सॉरी जीरो और लेस देन वन आपका आंसर आएगा। तो ये था हमारा कॉइन का टॉपिक जो मैंने आप लोगों को कोशिश की कि मुकम्मल ही करवा दूं। अगर आप लोगों को कोई किसी किस्म का मसला हो तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को विद इन वन डे आपको रिप्लाई करूँगा, आपको बना के भी दे दूंगा जो आपके प्रॉब्लम होगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियोज में डाइस और कार्ड्स के मुतल्लिक आप लोगों के लिए लेके आऊँगा वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियोज़ तक दीजिए इजाज़त।